सो हे गाइज, मेरा नाम वेदांत है दो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है जी टेकमेंट। तो गाइज, आज मैं आपको 50K का गेमिंग पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ, उसके साथ उस कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो ये जो गेमिंग पीसी हम बिल्ड करने वाले हैं वो ना ही सिर्फ गेमिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन आप उसमें वीडियो एडिटिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो या और भी कोई हो चीज़ें, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। बहुत स्मूथ चलेगा कंप्यूटर, कोई लैग नहीं होगा या कोई हैंग नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग और वीडियो एडिटिंग के अगर आप सीखना चाहते हो और उसमें अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा कोर्स लेके आया हूँ। सिर्फ आपको करना ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और गाइज, ये कोर्स आपको बड़े ही कम प्राइस में मिल रहा है, तो जाइए और जाके बाय कीजिए। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे हाय करने का है, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो टेबल पे मैंने सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट दी है उसके प्राइसिंग के साथ। तो मैं एक एक करके कंपोनेंट कवर करूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले कंपोनेंट की तरफ जो कि है सीपीयू। वो है एएमडी राइजन 53600XT। इसकी प्राइस आपको लगभग 22,000 तक मिलेगी और इसमें बताया गया है कि इट्स टीम रेड्स लेटेस्ट राइजन 5 सीरीज सीपीयू बेस्ड ऑन एएमडी जेन 2 आर्किटेक्चर। इट कम्स विद 6 कोर एंड 12 थ्रेड एंड ऑल्सो 35 MB ऑफ गेम कैचे। इट हैज़ TDP ऑफ 90 वैट। यू डिड गेट अ हीट सिंक फैन इंक्लूड इन दिस बॉक्स। आपको एक हीट सिंक फैन भी मिलेगा उसके साथ और इट हैज सपोर्ट ऑफ DDR4 मेमोरी ऑफ फ्रिक्वेंसी अप टू 3200 MHz एंड PCIe जनरेशन 4। इट हैज वारंटी अप टू 3 ईयर्स। ये आपको वारंटी 3 साल की दे रहा है, मतलब आपको अगर कुछ खराबी आए तो आप 3 साल के अंदर चेंज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी कंपोनेंट की तरफ जो कि दूसरा कंपोनेंट है, वो है MSI का B450M Pro M2 Max मदरबोर्ड। ये आपको प्राइस लगभग 7,000 तक जाएगा। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड द बेस्ट मदरबोर्ड इन द मार्केट। मतलब ये मैं आपको चीपेस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें 50K के अंदर बिल्ड करने का है ना इसी इसलिए। तो इट इज़ कंपेटिबल विथ राइजन 3600XT। इट कम्स विथ सपोर्ट अप टू 32 GB ऑफ रैम। 32 GB ऑफ रैम मतलब आप देख सकते हो आपके गेम्स कितने स्मूथ चलेंगे हाई ग्राफिक्स पर भी। और इसके साथ ड्यूअल स्लॉट मेमोरी भी आ रही है, 1 × PCIe 3.0 एंड 2 × मतलब एक आपको PCIe 3.0 का स्लॉट मिल रहा है और दो आपको PCIe 2.0 के स्लॉट्स मिले। तो बढ़ते हैं हमारी अगली कंपोनेंट की तरफ जो कि है हाइपर एक्स फेरी 8 GB 3200 MHz DDR CL26 DIM 1R × 8 ब्लैक XMP डेस्कटॉप मेमोरी। ये बेसिकली डेस्कटॉप मेमोरी है जो कि आपको वीडियो एडिटिंग, लाइव जाना हो यूट्यूब पे और ट्विच पे जैसे ऐप्स होते हैं ना अलग अलग, वहाँ पे, या ग्राफिक डिज़ाइन करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके डेली टास्क के लिए यूजफुल है। तो ये एक है, ये आपको लगभग 4,000 तक मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रूशियल BX500 240 GB साटा SSD प्लस सीगाटेप बैराकुडा 1 TB हार्ड ड्राइव। ये दोनों को मिला के आपकी 6,000 तक प्राइस जाएगी। तो ये SSD आपको इम्पोर्टेंट है और हार्ड ड्राइव तो आपको लगेगी, लेकिन SSD भी 240 GB की बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कौन सा वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप SSD लगा के भी कर सकते हो, एक्सटर्नल और हार्ड ड्राइव लगा के भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ।
सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है जोटा जी फोर्स GTX 1050 Ti OC एडिशन का 4GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। ये आपको लगभग 10 से 11,000 तक मिलेगा और ये NVIDIA गेम रेडी फीचर के साथ आता है, जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस का लेवल बहुत टॉप लेवल तक लेके जाएगा और ये मीडियम ग्राफिक्स या हाई ग्राफिक्स पे एकदम स्मूथ चलेगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। कंपोनेंट है वो है एयरकूल बोल्ट RGBs PC गेमिंग केस। ये RGBs के साथ आता है गेमिंग केस और इसकी प्राइस आपको 3,500 से 4,000 तक मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं है, तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये है ANT eSports VS500L। इसकी प्राइस आपको लगभग 2,000 तक जाएगी। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 2,000 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, नहीं तो थोड़ी कम आएगी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप मैंने बताई हुए कंपोनेंट्स पे थोड़ा कम पैसा डालो तो भी चलेगा, लेकिन पावर सप्लाई जब आप लेते हो तो अच्छा ही लेना, क्योंकि अगर पावर सप्लाई में कुछ खराबी आ गई तो आपको 1,000 से लेकर 1,00,000 तक खर्चा आएगा। तो 50K के PC बिल्ड के लिए ये पावर सप्लाई आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत से जन आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये आप टेबल देख रहे हो, उसमें मैंने कंपोनेंट्स के साथ उसकी प्राइसिंग भी दी है, तो आप वैसे ही बाय करना। और टोटल आप नीचे देख सकते हो 50,000 तक आया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।